हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, आज आपके लिए एक पैसेज लेके आया हूँ। और ये पैसेज मैंने खुद नहीं सिलेक्ट किया, ये हमारे व्यूअर का सेंड किया हुआ पैसेज है। उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की कि ये पैसेज को सॉल्व करवा दीजिए सर, चूँकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए ये डिले होता गया 15 अगस्त के बाद, चूँकि मैंने कहा था, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बट फाइनली मैं आज करवा रहा हूँ पैसेज को, और आप देखेंगे पैसेज हल्का नहीं है, मतलब ठीक ठाक लेवल का है, तो आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगेगा और पता भी लगेगा कि हमें पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर्स कैसे आराम से दे देने हैं। तो जनरली पैसेज को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए उसके बाद फिर आप पैसेज पढ़िए, और या फिर अगर आपकी पकड़ अच्छी है इंग्लिश में तो आप क्या कर सकते हो, पहले पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चंस कर सकते हो। करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं। तो आप आज मेरे साथ कैसे करोगे, पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए उसके बाद क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है, और दूसरा तरीका भी हम कभी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। तो पहले आप इस मेथड से करेंगे, तो आइए देखते हैं पैसेज कैसा है और फिर इसके चार क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप पैसेज का मीनिंग समझेंगे। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, या फिर कैसे, फॉर्चून क्या होता है, भाग्य होता है, तो भाग्य से या सौभाग्य से, इट इज एज येट ओनली थ्रू, एज येट होता है अभी तक, अनटिल नाउ मतलब इस समय तक, इट इज यह है, इट एज येट मतलब होता है अभी तक, ओनली थ्रू फैंटेसी, फैंटेसी होता है इमेजिनेशन, कल्पना, यह इट इज थ्रू फैंटेसी का मतलब हो गया ये अभी तक यह सिर्फ कल्पना से संभव है, दैट की वी कैन सी, हम देख सकते हैं, व्हाट द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्कॉलरली एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन वुड मीन टू मैनकाइंड। वी कैन सी, हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं, व्हाट, जो द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्कॉलरली एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन वुड मीन टू मैनकाइंड, जो डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश, ऑफ किसका विनाश, स्कॉलरली एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन वुड मीन, मतलब कहने का स्कॉलरली होता है बुद्धिपरक, जो दिमाग पर आधारित, बुद्धिमान, बुद्धि पर आधारित हो, एंड साइंटिफिक, और वैज्ञानिक, डिसिप्लिन होता है शिक्षा या सिद्धांत, ठीक है, बुद्धिपरक और वैज्ञानिक शिक्षा जो है, वुड मीन का मतलब होगा टू मैनकाइंड, मतलब कहने का मनुष्य, मानव जाति के लिए, मतलब कहने का ये है कि आखिर हमारी जो बुद्धिपरक शिक्षा, हमारे ज्ञान है और वैज्ञानिक शिक्षा है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक शिक्षा जो है हमारी, उसका हमारे मानव जाति के लिए, मैनकाइंड के लिए क्या प्रभाव, क्या विनाश का कारण होगा, दैट वी कैन सी, इसे हम समझ सकते हैं किसके द्वारा, इट इज़ थ्रू फैंटेसी, सिर्फ कल्पना के द्वारा, मतलब हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो मतलब कहने का सिद्धांत है वैज्ञानिक, इसका मानव जाति पर कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको केवल कल्पना से समझा जा सकता है अभी तक, ठीक है, मतलब ये रियल में संभव नहीं है कि कितना ज़्यादा विनाश वैज्ञानिक कारणों से और हमारी जो दिमाग, हमने जो नॉलेज पाया है, इससे विनाश हो सकता है मनुष्य जाति का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास से, वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, व्हाट देयर एग्जिस्टेंस हैज मीन्ट, अब देयर किसके लिए आया, देयर आए डिसिप्लिन्स, ये जो आपके वैज्ञानिक और बुद्धिपरक शिक्षा थी या सिद्धांत थे उनका, ये डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट भी होता है, मतलब कहने कोर्स भी होता है, ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब सिद्धांत भी होता है, डिसिप्लिन का मतलब आदर्श भी होता है, तो यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब वैज्ञानिक शिक्षा से आप समझेंगे, वैज्ञानिक सिद्धांतों से समझेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास से, वी कैन लर्न, हम समझ सकते हैं या हम जान सकते हैं, हम सीख सकते हैं, व्हाट देयर एग्जिस्टेंस, कि उनकी एग्जिस्टेंस मतलब उपस्थिति क्या है, हैज मीन्ट उसका मतलब क्या रहा, देयर किसके लिए आया, डिसिप्लिन के लिए, कि उन शिक्षाओं, जो वैज्ञानिक और बुद्धिपरक शिक्षाएं थी, उनकी उपस्थिति का क्या मतलब था, ऐसा हम इतिहास से जान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब इसमें नहीं दिया, आप समझ सकते हैं, जैसे कि नागासाकी हिरोशिमा में कितना वैज्ञानिक कारण ही थे, इतना ज्यादा एक्सप्लोजन होने का, है ना, परमाणु बम गिराया और कितना ज्यादा विनाश हुआ, ये हमारे इतिहास गवाह हैं इस चीज का, ठीक है ना। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि हम इतिहास से समझ सकते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस इन वैज्ञानिक कारणों और जो हमारी शिक्षा थी, इसका क्या इतिहास में प्रभाव था, ये हम समझ सकते हैं। द शीयर पावर, शीयर पावर होता है कंप्लीट पावर, पूरी की पूरी शक्ति, ऑफ डिसिप्लिन्ड थॉट, डिसिप्लिन्ड थॉट होता है सैद्धांतिक विचार, जो सैद्धांतिक विचारों की पूरी शक्ति है, इज रिवील्ड, उसका खुलासा होता है इन प्रैक्टिकली, मतलब
प्रयोगात्मक रूप से ऑल द ग्रेट, ऑल द ग्रेट मतलब होता है सभी ग्रेट महान और इंटेलेक्चुअल बुद्धिपरक एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांसेस, टेक्नोलॉजिकली मतलब होता है प्रौद्योगिकी पूर्ण या फिर तकनीकी पूर्ण, एडवांसेस मतलब होता है जो उन्नतियां हैं उनमें, विच जिनमें विच जो द ह्यूमन रेस हैज़ मेड मतलब मानव जाति ने बनाई हैं, मतलब कहने का कि पूरी की पूरी जो शक्ति है ये आपके सैद्धांतिक विचारों की, उसका खुलासा उन प्रयोगों में होता है जो कि हमारे बुद्धि और तकनीकी उन्नतियों में दिखाई देती है, और कौन सी उन्नति जो कि हमारी मानव जाति ने बनाई है। भाई ह्यूमन रेस ने जिन जिन चीज़ों का क्रिएशन किया है उसमें जो तकनीकी और दिमाग लगा है उसका, वो ये खुलासा कर देते हैं उन चीज़ों में, है ना। तो कंप्लीट पावर जो है डिसिप्लिन थॉट की, हमारे दिमाग की, हमारे सोच की पूरी उन शक्ति जो है उन चीज़ों में दिखाई देती है जिन्हें हमारे इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में, ठीक है, कि और ये हैं कौन से एडवांसेस, माने होता है कोई भी वस्तु जिस पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया हो आज वो आधुनिकतम हो, तो इनमें दिखाई देती है विच द ह्यूमन रेस हैज़ मेड, जिसे कि मनुष्य जाति ने बनाया है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मैन, मनुष्य की योग्यता, ऑफ डिसिप्लिन माइंड, डिसिप्लिन कैसा मनुष्य, मनुष्य ऑफ डिसिप्लिन माइंड मतलब कहने का सैद्धांतिक मस्तिष्क वाला, जो शिक्षा शैक्षिक मस्तिष्क वाला या शिक्षा पूर्ण या जो शिक्षित हो, शिक्षित मनुष्य, या कह सकते हो कि ऐसा मनुष्य जिसके पास सैद्धांतिक मस्तिष्क है, ऐसी योग्यता रखने वाला मनुष्य की जो योग्यता है टू डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब निर्देशित करने के लिए दिस पावर, इस शक्ति को, कौन सी शक्ति, ये इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बनाने वाली शक्ति जो कंप्लीट पावर देती है, जो डिसिप्लिन थॉट की शक्ति है वो शक्ति, ठीक है। तो जो योग्यता है किसी मतलब कहने का शैक्षिक या सिद्धांतवादी मस्तिष्क के मनुष्य की जो योग्यता है किसी भी इस शक्ति को निर्देशित करने की, इफेक्टिवली अपॉन प्रॉब्लम्स, किस हिसाब से प्रभाविता रूप से प्रॉब्लम्स मतलब समस्याओं पर, फॉर विच जिनके लिए ही हैज़ नॉट स्पेसिफिकली ट्रेंड, जो कि जिसके लिए ये विशेष रूप से ट्रेंड नहीं है, इज प्रूव्ड बाय, ये साबित होती है बाय एग्जाम्पल्स मतलब कहने उदाहरणों से, विदाउट नंबर बिना संख्या के, मतलब एग्जाम्पल्स विदाउट नंबर मतलब होता है इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल से साबित होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य के अंदर शक्ति है, बौद्धिक और मस्तिष्क साइंटिफिक जो पावर है, इसकी जो योग्यता है, यह स्पष्ट रूप से कहां मतलब कहने का इस शक्ति को निर्देशित करने की, वो प्रभावित रूप से किसमें दिखती है, उन समस्याओं में दिखती है जिनके लिए उसने वो स्पेसिफिकली ट्रेंड नहीं है। जैसे सपोज करिए कि अब वो हवा में नहीं उड़ सकता, तो उसने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया, एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया और अब पॉसिबल है। तो जिस चीज में पॉसिबल नहीं था तो उसने अपना दिमाग लगा करके उस चीज को पॉसिबल बनाया। तो इन एग्जांपल्स, इनफाइनाइट एग्जांपल्स से, एग्जांपल्स विदाउट नंबर मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स से, ये सारी चीजें क्या हैं आपको स्पष्ट समझ में आएंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी। आगे पढ़ते हैं हम इस चीज को, द रियल एविडेंस, जो वास्तविक साक्ष्य है फॉर द वैल्यू ऑफ लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन होता है मतलब कहने का उदारवादी शिक्षा, उदारवादी शिक्षा इन द सेंस आप कर सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें ना कोई प्रेशर हो ना कुछ हो, बस सिर्फ आपको स्टडी करना है और अपनी चरम बिंदु तक पहुंचना है, मैक्सिमम पीक पॉइंट को पाना है, ठीक है, उसे आप लिबरल एजुकेशन कह सकते हो। तो जो असली साक्ष्य है, असली प्रमाण है फॉर द वैल्यू ऑफ लिबरल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन उदारवादी शिक्षा का के जो महत्व का, लाइज इन हिस्ट्री, वो इतिहास में पड़ा है, एंड इन द बायोग्राफीज, और जो जीवन वृत्तियां हैं उनमें पड़ा है, ऑफ मैन उन पुरुषों की, हु हैव मेट द वैलिड क्राइटेरिया ऑफ ग्रेटनेस, जिन्होंने असली मानक को प्राप्त किया है ग्रेटनेस मतलब महानता के। तो मतलब कहने का यह है कि असली साक्ष्य जो है हमारे लिबरल एजुकेशन का, उदार भाई हमारी जो साइंटिफिकली एजुकेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मनुष्य के मस्तिष्क की, वो क्या लिबरल एजुकेशन से ही आती है। मनुष्य साइंटिफिकली या फिर कह सकते हैं जो प्रोन्नति मतलब डेवलपमेंट तभी कर पाता है जब उसकी एजुकेशन लिबरल है, उसे शांतिवादी शिक्षा मिल रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बस चरम बिंदु तक जाना है, पीक पॉइंट तक जाना है नॉलेज के। तो ऐसी लिबरल एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं कि वास्तविक जो साक्ष्य हैं लिबरल एजुकेशन के, वो इतिहास में पढ़े हैं और उन बायोग्राफी में पढ़े हैं उन महान लोगों की जिन्होंने वैलिड क्राइटेरिया को पाया है महानता के, है ना। शेक्सपियर को आप कह सकते हो, कालिदास जी को कह सकते हो, है ना, और भी अल्फ्रेड नोबल को कह सकते हो, है ना, जिन्होंने डायनामाइट का, आइंस्टीन को कह सकते हो, न्यूटन को कह सकते हो। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जिनकी बायोग्राफीज हैं, हिस्ट्री हैं, तो ये सारी टोटल हिस्ट्री की पार्ट्स हो गए और इनसे हमें महानता का सबक मिलता है या हमें पता लगता है कि इनकी लिबरल एजुकेशन किस हिसाब से थी, है ना। कई लोग ऐसे थे जो पढ़ने में होशियार नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने ऐसी ऐसी डिस्कवरीज कर दी जिसके लिए आज भी हमारा जो ये विश्व है उनका ऋणी है, ठीक है ना, मानव जाति उनकी ऋणी है। दीज सपोर्ट्स, ये सारे के सारे सपोर्ट्स का मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो भी माध्यम हमको सिखाते हैं, हिस्ट्री हो गई, बायोग्राफीज हो गई, ग्रेटनेस हो गई, तो दीज सपोर्ट्स, ये सारे सपोर्ट जो हैं, ओवरवेलमिंगली मतलब होता है भाव विभोर ढंग से, बहुत ही तेजी से
ओवरवेलमिंगली द क्लेम ऑफ लिबरल एजुकेशन दी सपोर्ट द क्लेम, ये इस मतलब कहने का इस दावे को सपोर्ट करते समर्थन करते हैं ऑफ लिबरल एजुकेशन के दैट कौन सा दैट कि इट कैन इक्विप ए मैन, कि जो इट मतलब लिबरल एजुकेशन, जो लिबरल एजुकेशन है उदारवादी शिक्षा है ये किसी भी व्यक्ति को सुसज्जित कर सकती है। इक्विप माने होता है सुसज्जित करना, किसी भी व्यक्ति को सुसज्जित कर सकती है विथ फंडामेंटल पावर मूलभूत शक्तियों से। मतलब कहने का कि ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं लिबरल एजुकेशन को, इस प्रकार से इसका क्लेम करती हैं, दावा करती हैं कि ये जो हमारी लिबरल एजुकेशन है ये किसी भी व्यक्ति को सुसज्जित कर सकती है मूलभूत शक्तियों से। ऑफ किस पर कैसी मूलभूत शक्तियाँ, ऑफ डिसीजन एंड एक्शन मतलब निर्णय लेने की और कार्य करने की शक्ति। डिसीजन एंड एक्शन मतलब निर्णय लेने की और एक्शन मतलब कार्य करने की, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि इट कैन इक्विप ए मैन, एक ये सक्षम बना सकती है एक मनुष्य को ऑफ विथ फंडामेंटल पावर्स मतलब मूलभूत शक्तियों से, ऑफ डिसीजन एंड एक्शन मतलब निर्णय लेने की और कार्य करने की शक्तियों से। अप्लाइकेबल जो कि अप्लाइकेबल होंगी, जो कि प्रयोग होंगी नॉट ओनली ना सिर्फ टू बॉय गर्ल रिलेशनशिप, लड़की और लड़के के संबंध के बीच में ही अप्लाई नहीं होगी। मतलब हमें जो हमारी लिबरल एजुकेशन है वो हमें इस प्रकार से किसी भी मनुष्य को सुसज्जित कर सकती है कि उसके पास सिर्फ कार्य करने की और निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। और वो निर्णय लेने की और कार्य करने की क्षमता कहाँ होगी, वो सिर्फ लड़की और लड़के के बीच के संबंध को नहीं, मतलब जैसे बॉय एंड गर्ल का जो रिलेशनशिप होता है कि सिर्फ उस संबंध में ही अप्लाई नहीं होगी कि वहाँ उसे कैसा डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। टू टिंकरिंग हॉबीज़ होता है सुधार करना, किसी बुरी चीज़ में सुधार करके उसे और अच्छा कर देना, ठीक है। टिंकरिंग तो मेक इम्प्रूवमेंट होता है टिंकर, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट करने की, जैसे कुछ होता है कोई खाली चीज़ पड़ी है लेकिन किसी ने कुछ और बना दिया उसका यूज़ के लिए, है ना। घर में अक्सर लेडीज़ें मतलब पता नहीं क्या फालतू की चीज़ों से क्या क्या बनाती रहती हैं जो उपयोगी हो जाती हैं, तो इस प्रकार की टिंकरिंग हैबिट्स तो टिंकरिंग हॉबीज़ हो गई, है ना। तो ऐसी हॉबीज़ में भी सिर्फ अप्लाई नहीं होगी। और टू चूजिंग द फैमिली डेंटिस्ट, परिवार के लिए एक डेंटिस्ट चुनना है तो सिर्फ इसमें भी अप्लाई नहीं होगी। मतलब यहां तो अप्लाई होंगी लेकिन इनके अलावा और कहां होंगी, बट टू बल्कि कहां अप्लाई होंगी, ऑल द ग्रेट एंड वैरिड कंसर्न्स, उन सभी महान और विभिन्नतापूर्ण चिंताओं पर अप्लाई होंगी ऑफ ह्यूमन लाइफ मानव जीवन के, नॉट लीस्ट ना सिर्फ कम से कम दैट दोज बल्कि वहां तक दोज दैट आर अनफोर्सिन, जहां जो कि जिन्हें अभी तक देखा नहीं गया है। मतलब कहने का यह है, पूरा मीनिंग आप समझेंगे कि ये सारी बातें सपोर्ट करती हैं इस दावे को, लिबरल एजुकेशन के इस दावे को, किस दावे का सपोर्ट करती हैं कि जो लिबरल एजुकेशन है वो किसी भी मनुष्य को सुसज्जित कर देगी उन सभी मूल शक्तियों से डिसीजन और एक्शन करने की, मतलब निर्णय लेने की और कार्य करने की, जो कि ना सिर्फ बॉय गर्ल रिलेशनशिप और मतलब इम्प्रूवमेंट की जो हॉबीज़ हैं उनमें और परिवार के लिए एक डेंटिस्ट चुनने में सिर्फ अप्लाई नहीं होंगी, बल्कि और कहाँ अप्लाई होंगी, वो कि महान कार्य करने में और बड़ी बड़ी चिंताओं से निपटने में जो मनुष्य के जीवन में आती हैं उन सब में काम करेगी। नॉट लीस्ट कम से कम नहीं बल्कि दोज दैट आर अनफोर्सिन, बल्कि वहां तक काम करेगी जहां तक अनफोर्सिन, जो चीजें अभी तक हमने देखी नहीं, जो समस्या हमने अभी फेस भी नहीं की हैं उनको निपटने में भी ये लिबरल एजुकेशन मतलब कहने का मदद करेगी। तो कुल मिला के जो पैसेज का मकसद था, आपने पूरा पैसेज पढ़ा और पैसेज का पूरा मोटिव जान लीजिए, उन्होंने क्या किया, इतिहास का गवाह, इतिहास का प्रमाण दे रहे हैं कि इतिहास में भी लिबरल एजुकेशन कैसे वहां के, भाई साइंटिफिकली हमारे जो मस्तिष्क की बात है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारे दिमाग की, उसी की ये विशेषता बता रहे हैं। और विशेषता इन्होंने कैसे शुरू की, उन्होंने साइंटिफिकली पहले कहा कि भाई मनुष्य ने जो जो चीज़ें आविष्कार की हैं वो हम उनके एग्जांपल से समझ सकते हैं और समझ ही नहीं सकते कि कितना भयंकर उसका विनाश हो सकता है ना। तो कितनी ज़्यादा महानता ये बता रहे हैं हमारे मस्तिष्क की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। और फिर इन्होंने फिर कुछ उदाहरण दिए कि हमारे जो वास्तविक साक्ष्य हैं वो कैसे हमें पता लगता है लिबरल एजुकेशन का, हम भविष्य मतलब पास्ट में जाके देख सकते हैं, बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, है ना, जिन लोग महान लोग ने जो कार्य किए उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा और इन सब चीज़ों को उन्होंने अप्लाई कहाँ करवाया, अप्लाई करवाया कि हम इन सारी मतलब हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनसे हम अपने फंडामेंटल पावर हमें मिलती है जो कि हमें सिर्फ हमारी सारी प्रॉब्लम जैसे बॉय गर्ल रिलेशनशिप इन सब चीज़ों में छोटी मोटी काम करती है, बल्कि मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं उन सभी से निपटने में काम करती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पैसेज समझ में आया। आप कितना समझ में आया आपको पैसेज, वो आपको तब पता लगेगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं और आप अपने आप को जज कर पाइए कि आपको पैसेज समझ में आया कि नहीं, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पर कि लिबरल एजुकेशन इनेबल्स अ पर्सन, जो हमारी उदारवादी शिक्षा है वो मनुष्य को क्या मतलब किस चीज के योग्य बना, इनेबल होता है सक्षम करना, मनुष्य को किस चीज के सक्षम बना देती है। अब आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, रीड विथ मोर डिसर्नमेंट देन अदर्स, रीड मतलब पढ़ाई करना विथ मोर डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट होता है अच्छे जजमेंट के साथ, अच्छे मतलब कहने का समझ के साथ, देन अदर्स अन्य की अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा मतलब जो है और ज्यादा अच्छे से, जो व्यक्ति अगर लिबरल एजुकेशन पाता है तो वो और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकता है और अच्छे ज्यादा जजमेंट के साथ पढ़ाई कर सकता है अन्य की अपेक्षा। क्या ऐसा कहा गया है? कहा गया है नहीं, आप आगे सारे विकल्प पढ़िए पहले। अप्लाई जनरल प्रिंसिपल्स टू रिजॉल्व इश्यूज, अपने सिद्धांतों का प्रयोग करना किसके लिए, अपनी जो समस्या है रिजॉल्व इश्यूज, अपने मुद्दों को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने, सुलझाने के लिए आम सिद्धांतों का प्रयोग करना, है ना, ये इन्होंने कहा है। या फिर गेन प्रेस्टीज, या फिर इन्होंने कहा है कि आपका मतलब शोहरत पाने के लिए, इन्होंने ये कहा था पास्ट में कि पुराने लोगों ने भी लिबरल एजुकेशन के नाम पे मतलब बहुत सारी ऊंचाइयों ग्रेटनेस को पाया, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि ग्रेटनेस से आप पा सकते हो, है ना। इन्होंने बताया कि जितने लोग महान हुए हैं उन सभी ने लिबरल एजुकेशन पाई, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा लिबरल एजुकेशन पाया तो वो महान हो ही गया, लेकिन ये पक्का है जो महान हुआ उसने लिबरल एजुकेशन बिल्कुल ली थी, ठीक है। डेवलप अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग, एक स्पष्ट समझ पैदा करना ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की, देन अदर्स अन्य की अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा इतिहास की एक अच्छी समझ पैदा करना। आप ये बताइए, इन्होंने इतिहास का एग्जाम्पल दिया था कि इतिहास में आप जाकर देख सकते हो लिबरल एजुकेशन का क्या फायदा हुआ है, लिबरल एजुकेशन ने क्या क्या काम किए हैं, बल्कि इतिहास का नॉलेज लेने के लिए इन्होंने नहीं कहा, ठीक है। तो पहला यह है कि पढ़ना, पढ़ने की तो बात ही नहीं हुई है कि मतलब आप पढ़ने में अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा तेज हो जाएंगे लिबरल एजुकेशन से, नहीं हुई है, यह कैंसिल हो गया। आप अपने जनरल प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे रिजॉल्व इश्यूज, सारे मुद्दों से निपटने में, यह इन्होंने लास्ट में कहा भी है कि आप ना सिर्फ डिसीजन और एक्शन, जो आपको फंडामेंटल पावर मिलती है उससे ना हम सिर्फ बॉय गर्ल रिलेशनशिप वगैरह के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, बल्कि अपनी ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। गेन प्रेस्टीज इसकी भी बात नहीं की है, ठीक है। और डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास पढ़ने में मदद मिलेगी, या ये तो नॉनसेंस क्वेश्चन मतलब हो गया ना, तो आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द पैसेज द एक्सप्रेशन स्पेसिफिकली ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मतलब विशेष रूप से ट्रेंड, मैंने आपको बताया था मतलब क्या, जैसे कि अब कोई है, कोई किसी पर्टिकुलर चीज में अगर ट्रेंड नहीं है तो उसने क्या किया, उस चीज का आविष्कार कर लिया ताकि वो ट्रेंड हो गया। जैसे हेलीकॉप्टर में अगर उड़ नहीं सकता तो उसने हेलीकॉप्टर का निर्माण कर लिया, वही चीज। तो एक स्पेसिफिकली ट्रेंड का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में ट्रेंड, तो पर्टिकुलर ट्रेंड आपका वर्ड मिल रहा है तो ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा, बाकी की मीनिंग समझ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिकली ट्रेंड का मतलब होता है विलक्षण प्रतिभा वाला से रूप से ट्रेंड, मतलब इसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हों, तो हमें स्पेसिफिकली इस हम ये वर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन हमें मीनिंग इससे मतलब नहीं कि बहुत अच्छा कौन सा है, हमें मतलब है कि इसका सबसे अच्छा मीनिंग का, स्पेसिफिकली का मतलब होता है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर एक चीज पे, तो स्पेसिफिक का साइनोनिम ही पर्टिकुलर हो जाता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिक्यूलियर होता है सभी लोगों में, मतलब कोई विशेष कुछ स्पेशल प्रतिभा रखने वाला, तो ये कैरेक्टरिस्टिकली का लगभग लगभग साइनोनिम है, तो ये कैंसिल, तो ये भी कैंसिल, इसलिए भी कैंसिल जाएंगे, दोनों में से कोई नहीं हो सकता, दो ऑप्शन एक जैसे डायरेक्शन के, तो दोनों कैंसिल हो गए। ऑस्टेंसिबली मतलब जो दिखने में तो बहुत अच्छा लगे, बहुत मजबूत हो, लेकिन वो अंदर से झूठा हो, फाल्स हो, ठीक है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं यहां पे। तो यहां स्पेसिफिकली का मतलब, स्पेसिफिक का सिर्फ साइनोनिम है, पर्टिकुलरली आपने पूछा था इन्होंने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस पैसेज द ऑथर स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, इस पैसेज में ऑथर ने किस चीज पर बल दिया है, आप देख रहे हो शुरू से लेकर लास्ट तक लिबरल एजुकेशन, मनुष्य की बुद्धि पर बल दिया है, केवल बुद्धि के बारे में बता रहा है, उसकी गुणगान गा रहा था, है ना ऑथर। तो आइए देखते हैं ऑप्शन, एजुकेशन फॉर लिविंग, रहने के लिए शिक्षा, और टेक्निकोलॉजिकल एडवांसेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज का इन्होंने उदाहरण दिया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज पर इन्होंने बल नहीं दिया, लास्ट में इन्होंने क्या लिबरल एजुकेशन पर, या फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ इन्होंने शिक्षा पर बल दिया है, जो हमारी बुद्धि पर बल दिया है, बाकी और इन्होंने उदाहरण बहुत सारे लिए, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का तो एग्जांपल लिया था, तो ये तो हो नहीं सकता आपका। इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पढ़ाई भी इंटरेस्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो गया आपका, आपको खुद पता लग रहा होगा गलत है कि नहीं है। सेटिस्फाइंग द डिजायर फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा की इच्छा को संतुष्ट करना, यह भी आपका गलत है, और यहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का कोई मतलब ही नहीं है, है ना, क्योंकि टेक्निकल एडवांसेस ये सिर्फ उदाहरण था, बल्कि इस पर फोर्स नहीं किया गया। बचा क्या है, एजुकेशन फॉर लिविंग, इतना मतलब लिबरल एजुकेशन से हमें ऐसी पावर मिल जाती है, फंडामेंटल पावर, जिससे हम अपने डिसीजन और एक्ट मेकिंग के कार्य कर पाते हैं, इसलिए आपका एजुकेशन फॉर लिविंग ये सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the author, author के अनुसार the great and varied concern of human life are about, मतलब कहने का जो महान और बड़ी चिंताएं हैं मनुष्य के जीवन की वो क्या हैं,
अब इन्होंने कहा था ना कि लास्ट में कि हमारे जो फंडामेंटल पावर मिलती है जिससे हम क्या कहते हैं ग्रेट एंड वैरिड कंसर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ, इनको क्या कर सकते हैं, इनसे निपट सकते हैं और ऐसी समस्याओं से निपट सकते हैं जो कि अनफॉर्सीन है, मतलब जिन्हें हमने देखा नहीं है उनसे भी निपट सकते हैं। तो आखिर इनका कहने का मतलब कि ये ग्रेट एंड वैरिड कंसर्न, इनसे मतलब क्या है ह्यूमन लाइफ की, अगर ग्रेट एंड वैरिड कंसर्न है तो मतलब कैसी कंसर्न है, फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो होगा ही नहीं, मूलभूत अधिकार नहीं। अब ये कहना है चैलेंजेस फेसिंग मैनकाइंड, मनुष्य जो जो चैलेंजेस, मानव जाति जो जो जिन जिन चुनौतियों का सामना करती हैं, क्या उनका मतलब है ग्रेट एंड वैरिड कंसर्न, तो ये आपका संभव है। अब टिंकरिंग हॉबीज, टिंकरिंग हॉबीज तो होता है इनसे तो निपट, टिंकरिंग हॉबीज होता है कि मतलब इंप्रूवमेंट करना, तो ये जो अलग अलग कंसर्न है ये समथिंग डिफरेंट था, क्योंकि इन्होंने टिंकरिंग हैबिट्स की बात की कि नॉट ओनली टिंकरिंग हैबिट्स बट आल्सो ग्रेट एंड वैरिड कंसर्न। तो अगर टिंकरिंग हैबिट का मतलब ही होता अगर ये, तो नॉट ओनली इसमें लगा के बट आल्सो इसमें क्यों लगाता, दोनों अलग अलग चीज है, तभी तो नॉट ओनली के बाद नॉट ओनली में इसको लिखा और बट आल्सो के बाद ये लिखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। अब कह रहा है लिबरल एजुकेशन, ठीक है, तो लिबरल एजुकेशन मतलब क्या हो गया, उदारवादी शिक्षा। तो आप बताइए यहां पर तो कंसर्न कह रहा ना कि कैसी चिंताएं, तो चिंताएं ये उदारवादी शिक्षा ये टॉपिक से रिलेटेड तो है, लेकिन उदारवादी शिक्षा क्या इसका मतलब है क्या, नहीं इसका चिंताओं से मतलब कोई प्रॉब्लम ही होगी ना, तो लिबरल एजुकेशन कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये तो बल्कि एक सॉल्यूशन है। तो लिबरल कंसर्न क्या, यहाँ पर ऐसी चुनौतियाँ जो कि मानव जीवन में मतलब मनुष्य जाति हमारी फेस करती है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो व्यूअर हमारे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको आई एम सॉरी फॉर वेटिंग सो मच, और बाकी कोशिश मेरी रहती है कि मैं जितना जल्दी रिजॉल्व कर सकूँ, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आई होप आप मैनेज कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।